शेरगिल जी, अभी अजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि आप लोग संदर्भ को समझने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी के बयान को कैसे आप हास्यास्पद बना दें और कैसे जनता को ये दिखाएं कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत था। अरे वो तो धर्म और अधर्म के बीच की परिभाषा को समझा रहे थे। नहीं नहीं प्राची जी, एक मिनट, आपका डिबेट शो बहुत लोकप्रिय है, इस पे मैं तो विनती करूंगा हाथ जोड़ के, आप वो राहुल जी का बयान चलाइए अभी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई संदर्भ था? उन्होंने तथ्य रख, पता नहीं क्या उन्होंने बोला। आपने देखा पांडवों के साथ बाकी लोग के धर्म, बाकी धर्म के लोग भी खड़े थे उस समय के अरबपति भी होते थे, वो वनवास में नहीं जाते। मैं तो जानना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र से, कौन सा धर्म था जो आप प्राची जी को नहीं पता, जयवीर को नहीं पता, इतने इतिहासकार हैं उनको नहीं पता, महाभारत में जिसका जिक्र नहीं हुआ, वो कौन सा नोट था? संदर्भ नहीं था? उन्होंने गंभीर होकर एक तर्क रखा है देश के सामने। चलिए, वो उनका जो ज्ञान अज्ञान, कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तभी मैंने कहा राहुल जी को एक संजय की जरूरत है जो उनको देश की राजनीति से रूबरू कराए। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देश की वास्तविकता से रूबरू कराए कि देश आज जो मतदाता है उसकी, उसका तालमेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से टूट चुका है। दूसरी बात, बार बार बात कौरवों पांडवों की हो रही है। देखिए, यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने हाल ही में कमल हसन के साथ अपना राजनीतिक हताशा इतनी बड़ी, इतना कह दिया कि चीन की गलती नहीं है, भारत के अंदर जो अंदरूनी समस्या है, और अंग्रेजी में कहते हैं अ कंफ्यूज्ड नेशन विदाउट अ विजन। जो व्यक्ति अपने ही देश को कंफ्यूज्ड नेशन विदाउट अ विजन कह सकता है चीन के डिफेंस में, उसको भारतीय जनता पार्टी अगर उस पर अपना विरोध दर्ज ना करे, खिल्ली ना उड़ाए, तो क्यों? जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में कहता है कि चीन के सैनिकों ने हिंदुस्तान के सैनिकों को पीट दिया, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की गलती है? और बार बार कौरव पांडव की तुलना हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं संदर्भ क्या होता है। अगर हिंदुस्तान को महाभारत की वो जो जंग के, तो हस्तिनापुर ने तो 2014-2019 में और 2022 में कई राज्यों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, हस्तिनापुर की जनता ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। 52 चुनाव हुए हैं, 52 2014 से 22 में, कांग्रेस 47 चुनाव हारी है। दूसरा, अभी उत्तर प्रदेश से निकले हैं, अब 42 बलिया से नेताओं ने इस्तीफा दे दिया ये बयानबाजी के चलते। 2014 से लेकर आज तक 460 कांग्रेस के नेता इस्तीफा दे चुके हैं। 222 जब हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, हिंदू देवी देवताओं की बात करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा ना हो हमारी जो बनी बनाई सियासी जमीन है वो खिसक जाए और आपके तमाम नेता ये सिद्ध करने में जुट जाते हैं कि कौन असली हिंदू कौन नकली हिंदू। प्राची जी, जनेऊ धारू का बयान कि राहुल जी जनेऊ धारू हिंदू हैं, हम असली शिव भक्त हैं, वो किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस पार्टी ने? वो जग जाहिर है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जब भी कांग्रेस के नेता और माननीय श्री राहुल गांधी धर्म का अपमान करते हैं तो आपत्ति दर्ज करती है, जो मुझे लगता है करनी चाहिए। अगर आप कहेंगे ये देश भारतवर्ष पुजारियों का नहीं है, केवल तपस्वियों का है, कितने पुजारी हैं देश में? आपके घर में आप पूजा करती हैं, मैं पूजा करता हूं, देश के कितने मंदिरों में हमारे ब्राह्मण बैठे पूजा करते हैं, कितनी सदियों से पूजा जो चली आ रही है, आप उसका अपमान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उस पर आपत्ति ना दर्ज करे? ये तो ये नहीं हो सकता। हाल ही में हुसैन दालवी, वो जो भी महाराष्ट्र के नेता हैं, वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ भगवा क्यों डालते हैं, वो आधुनिक कपड़े डालें शायद कोई सुधार हो जाए। वो अगर जगदीश टाइटलर जिन्होंने सिखों का नरसिंहार किया, आप उनकी ताजपोशी करेंगे तो हम उस पर आपत्ति नहीं दर्ज करेंगे। सत्य तो ये है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा का निष्कर्ष है वो है हिंसा, देश विरोधी, अमन शांति विरोधी, ये इसका संदेश है। और श्री राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा, इन्होंने खुद ही ठान लिया है जिद कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरी तरह ताला लगा के रहूंगा। तो मैंने कहा, पूजा, जो बात अभी जयवीर शेरगिल जी बता रहे हैं, जो एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं
अभी भारत जोड़ो यात्रा की, वो तो कह रहे हैं कि जो आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है। आप लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, आप लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये बड़ा ही माकूल सवाल आपने किया था, जिसका पर जवाब दे रहे थे एक साथ तपस्वी और पूजक। पूजक होता है व्यक्ति पूजक, यहाँ मोदी पूजक है, मोदी मोदी। और राहुल जी तपस्या कर रहे हैं किसके लिए? बेरोजगारी कम होना चाहिए और महंगाई खत्म होना चाहिए, दूसरे के लिए कुछ अर्पित कर रहे हैं। तो इस भाव से राहुल जी ने कहा था, ये समझाने की जरूरत है, जो न समझे अलग बात। दूसरी बात है, जो जगबीर जी हैं को चिंता बीजेपी की करनी चाहिए, कांग्रेस की नहीं करना चाहिए कि राहुल जी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। ये मेरी चिंता है भैया, ये तो आपके नेता मोदी जी पहले से कह चुके थे कि कांग्रेस भारत बनाएंगे। तो अभी तो मुक्त भारत कांग्रेस नहीं हुआ, कांग्रेस युक्त भारत हो रहा। और भारत जोड़ो यात्रा से इतने डरे, इतने भयभीत हैं कि बिना राहुल जी के इनका पानी नहीं पसता। ठीक है, पहले एक बात आपने भी कही, बार बार राहुल गांधी भी कहते हैं, मुझे लगता है आप मुझे समझा पाएंगे। ये जो तपस्या और पूजा के बीच में अंतर समझा रहे थे, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, शेरगिल जी भी सवाल कर रहे थे, ये अंतर मुझे बताइए, ये अंतर क्या है? कौन तपस्वी, कौन पुजारी? तपस्वी यह है, देखिए एक और बात है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को त्याग दिया हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को ठुकरा दिया हो, उसको तपस्वी कहते हैं। जिसको सत्ता का मोह न हो, जिसको जनता से लगाव हो, जो आदमी का अपना कोई निजी कोई आराम, शक्ति, पावर, लोलुपता न हो, उसको तपस्वी कहते हैं। आप ये बताइए, 2009 में प्रस्ताव दिया गया था राहुल जी। चलिए ठीक है उदित जी, आपने कहा कि राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, चूंकि उन्हें किसी पद की, किसी भी चीज का मोहमाया नहीं है, लालच नहीं है। आप ही का एक ट्वीट है, मैं उसी को कोट कर रही हूँ। आपने बताया राहुल गांधी जी सब कर रहे हैं, देश की चिंता है वो तपस्या, लेकिन आपने पूजा को ये समझाया था कि जो लोग अपने नेता का महिमा मंडन करें वो लोग पुजारी हैं। तो ऐसे तो कांग्रेसी नेताओं पर भी सवाल खड़े होंगे कि पुजारी तो आप ही हैं, आप भी तो राहुल गांधी जी की तारीफ करते हैं, कभी श्री राम से उनकी तुलना करते हैं, कभी उनको तपस्वी बताते हैं। देखिए हमारे यहाँ भी कुछ पुजारी हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन निश्चित तौर से राहुल गांधी जी तपस्वी हैं। ठीक, अब हमारे यहाँ पुजारी हैं, उनको धीरे धीरे किनारा किया जाएगा पुजारी की, जिसके वजह से फिर तो घोषणा कर देनी चाहिए कि हम तपस्या कर रहे हैं, सत्ता से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चुनावों से कोई मतलब नहीं, इसकी औपचारिक घोषणा कर दें तो जनता को यकीन हो जाए कि ये तो असली तपस्वी है। बिना सत्ता के जनता को, ठीक है शेरगिल जी, इस पर थोड़ा छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं आ रही हूँ हर्षवर्धन जी आपके पास। शेरगिल जी, प्राची जी, पहले तो देखिए मैं दो बातें करना पाऊंगा, ये ढोंग है, ये झूठ फैलाया जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। एक मिनट मुझे टोकिए मत, भारत जोड़ो यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये सरासर एक सफेद झूठ है। आप एक केजरीवाल की ऑड इवन डे स्कीम आई थी, एक दिन श्री राहुल गांधी कहते हैं मुझे सत्ता से कोई लेना देना नहीं, दूसरी तरफ आप 18 नेताओं को चिट्ठी लिखते हैं, अलग बात है कोई आया नहीं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या भारत जोड़ो यात्रा में आइए। तीसरी, कमलनाथ जी कहते हैं श्री राहुल गांधी ही ऑपोजिशन का चेहरा, विपक्ष का चेहरा होंगे 2024 में। तो आप एक तरफ कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत नहीं है, इवन डे पे कह देते हैं मैं 2800 किलोमीटर घूमा मुझे तो कहीं नफरत दिखी नहीं, फिर पहले कह देते हैं फिर नफरत है। आज सत्य तो ये है, भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी को व्यस्त रखने वाला एक बहुत महंगा पीआर स्टंट है। इसका अगर किसी राजनीतिक, सामाजिक, देशहित के तराजू में तोला जाए तो ये 0/0 है। अगर आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, फिर ऑपोजिशन चेहरा 2024 क्यों कहा जा रहा है आपको? फिर बाकी नेताओं को सपा तो कहती है हम भैया आपके साथ नहीं आएंगे, नमस्कार। मायावती जी ने भी नमस्कार कर दिया, टीएमसी
बंगाल वाले कहते हैं यूपीए है ही नहीं, श्री राहुल गांधी इज अ किड, राहुल गांधी बच्चे हैं, ये ममता बनर्जी का बयान है। मजबूत कर रहे हैं, आप तेलंगाना यात्रा लेके जाते हैं, आपका जमानत हो जाती है। भारत समझने के लिए निकले, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही। मैं आ रही हूँ उदित राज जी आपके पास। हर्षवर्धन जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।